नमस्ते बच्चों, पैरा मेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्कल रेडियोग्राफी के बारे में। स्कल हास मेथड तक अपन लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो व्यू देखने वाले हैं वो है हमारा स्कल लेटरल। अब अपन लेटरल व्यू के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लेटरल की पोजीशन कैसे होती है। प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको पेशेंट को कैसे पोजीशन करना है, उसका प्रोजेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, जब अपन लेटरल के बारे में देखेंगे तो मतलब हमारी साइड्स, किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे पेशेंट की साइड्स के बारे में। दो साइड्स होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो जो अपन लेटरल करेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट लेटरल हो जाएगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले जो अपन टॉपिक देखते हैं इंडिकेशंस की, कि हम क्यों करते हैं। इंडिकेशन किस चीज़ को देखने के लिए किया जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन सबके लिए कॉमन है कि ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, पेशेंट को सारे आर्टिफैक्ट्स रिमूव करने हैं, पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स, और उसको सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है। अब अपन इंडिकेशन देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेशन इसमें यूज लिए जाते हैं, किस किस स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये किया जाता है। तो ये व्यू सबसे इम्पोर्टेंट जिसको देखने के लिए किया जाता है वो होता है हमारा सेला टर्सिका, जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है वो होती है हमारी सेला टर्सिका। कोई भी हमारी ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो उसमें तो अपन ये करते ही है। ठीक है, हमारे जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस होता है, इन सबको देखने के लिए, इन सब के विजुअलाइजेशन के लिए अपन ये वाला प्रोजेक्शन यूज लेते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर क्लिनोइड प्रोसेस देखने के लिए भी इसको किया जाता है। ये सारे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बात की जाएगी पेशेंट पोजीशन की। ठीक है, पेशेंट पोजीशन की मतलब अपन पेशेंट को किस तरीके से पोजीशन करेंगे। हम पेशेंट को पेशेंट पोजीशन, पार्ट पोजीशन, बहुत लंबा गैप हो चुका है अपने स्कल के लेक्चर में, तो आप लोगों को एक बार प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे कि अपन को कैसे करना है। सबसे पहले बात की जा रही है पेशेंट पोजीशन की। सीधा सीधा सा पेशेंट पोजीशन अपन लोगों को लिखना है। पेशेंट या तो इरेक्ट में होगा, मतलब या तो अपराइट है, ठीक है, या तो अपराइट है पेशेंट, या फिर सुपाइन है। ये अभी तक सिर्फ पेशेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ने पार्ट पोजीशन की बात नहीं की है। ठीक है, अगर आप सुपाइन भी नहीं लिखे तो सबसे सही रहेगा अगर आप इसको एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में पेशेंट को रखें। एंटीरियर ओब्लिक और पोस्टीरियर ओब्लिक क्या होता है इसके बारे में अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, एक पोजीशन अपन ये रख सकते हैं, रिकमेंड में भी अपन पेशेंट को रख सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि अगर अपन ज़्यादा बहुत सारी अगर चीज़ें याद रखेंगे तो वो दिमाग में अपना खिचड़ी बनने का चांस रहेगा। एग्जामिनेशन पर्पज से आप याद रखिए अपराइट और एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में, क्योंकि रिकमेंड पोजीशन में रखोगे आप तो आप लोगों को पेशेंट को अलग तरीके से पोजीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। रिकमेंड में अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन एक रूटीन की बात करें तो अपराइट और एंटीरियर ओब्लिक में अपन रखेंगे अपराइट। अब बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। ठीक है, जो पेशेंट होगा वो हमारा एंटीरियर ओब्लिक में होगा। पेशेंट की हम जो पोजीशन रखेंगे वो क्या रखेंगे, एंटीरियर ओब्लिक रखेंगे। अब वो इरेक्ट में भी हो सकता है, अपराइट में भी हो सकता है, या फिर वो अपना रिकमेंड या सुपाइन में भी हो सकता है। एंटीरियर ओब्लिक, पोस्टीरियर ओब्लिक आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन किस में होगी, या तो अपराइट में होगी, या फिर सीटेड में होगी, या फिर रिकमेंड में होगी। किसी भी पोजीशन में अगर सिंपल देखे पेशेंट स्टैंडिंग, सीटिंग या सुपाइन प्रोन में, एंटीरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन में या पोजीशन में खड़ा रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर अपन एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, जैसे एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए भाई रिकमेंड में है तो कैसे है, अपराइट में है पेशेंट, एंटीरियर ओब्लिक है तो पेशेंट अपराइट है, और एंटीरियर पार्ट जो भी डिजायर्ड होगा राइट एंटीरियर ओब्लिक या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक के अकॉर्डिंग पेशेंट
प्लेस हो जाएगा। रिकमेंड पोजीशन की बात करें तो रिकमेंड पोजीशन में हम क्या करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे और फोरआर्म को हम रेस्ट पोजीशन में रखेंगे, तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल एंटीरियर ओब्लिक में प्लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट पोजीशन के। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपको डायग्राम दिखाए जाएंगे। पार्ट पोजीशन क्या होता है, पार्ट पोजीशन अब अपन को पता है कि ये हमारा बॉडी पार्ट है जिसे हम एग्जामिन करने वाले हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके सामने राइट का, अपन को राइट साइड का लेटरल करना है, तो हम एक हाथ से तो हमारे मैंडिबल को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही राइट साइड है तो लेफ्ट हैंड से तो मैंने मैंडिबल को पकड़ा एंटीरियर ओब्लिक में, और राइट साइड से जो हमारा जो डिजायर्ड वाला पार्ट है उससे हमने हमारे स्पेराइटल बोन को पकड़ के पेशेंट की नेक को ऐसे बिल्कुल ऐसे मोड़ेंगे। जैसे हमने इरेक्ट में इस पोजीशन में खड़ा हुआ है पेशेंट एंटीरियर ओब्लिक में, मैंने लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड से मैंने मेरे मैंडिबल को पकड़ा और राइट हैंड से मैंने मेरे पेराइटल बोन को पकड़ा, तो इसको बिल्कुल फिक्स ऐसे पोजीशन में फिक्स कर दिया जिससे हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल ट्यू लेटरल का मतलब होता है कि हमारा कितना डिग्री का एंगल बना ले, वो 90 डिग्री का एंगल बना ले। ये होती है हमारी पार्ट पोजीशन। आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो आपको लिखना है, या तो ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट पोजीशन होती है। पेशेंट पोजीशन, पेशेंट को हमने अपराइट सीटेड या रिकमेंड पोजीशन में रखा। पार्ट पोजीशन में हमने क्या किया कि हमारा जो स्कल है, जो डिजायर्ड पार्ट है, हमारे डिजायर्ड पार्ट है राइट या लेफ्ट, ठीक है, तो हमने उस वाले पार्ट को बिल्कुल हमारा जो IR का है उससे बिल्कुल IR के जो मिड पॉइंट्स है बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको प्लेस किया। इसे बोलते हैं ट्रू लेटरल पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पेशेंट की पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं, हमने जब पोजीशन दी, हमने पार्ट की पोजीशन दी, तो अब अपन को क्या करना है। अब तीन चार चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी जो बोनस होती है। मैंने आप लोगों को लाइन्स बताए थे प्रीवियस में, इसकी जब अपन पढ़ रहे थे तो उसके सरफेस लैंडमार्क बताए थे। अब किस तरीके से हो, ये इस तरीके से हो जो हमारा पेशेंट ट्यू लेटरल पोजीशन कब कहलाएगी, जब हमारा MSP जो है, MSP क्या होता है ये अपन लोग देख चुके हैं, हमारा जो MSP है बिल्कुल पैरेलल हो हमारे इमेज रिसेप्टर के। हमारा MSP क्या है, ऐसा बिल्कुल सीधा मिड सजाइटल प्लेन। अगर मैंने मेरे पेशेंट को या हम अपने बॉडी पार्ट को ट्यू लेटरल पे कर देते हैं तो ये हमारा जो MSP है हमारे जो IR का बिल्कुल समांतर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि जब अपन लेटरल पोजीशन करते हैं तो MSP हमारे IR के समानांतर हो जाता है। अब हमारी एक लाइन होती है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर को वापस रिवाइज कीजिए, IOML। ये लाइन भी हमारे इस तरीके से एडजस्ट हो कि हमारे IR के समानांतर हो, ठीक है। IOML इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, इसको इस तरीके से एडजस्ट की जाए। ये जो लाइन है हमारी इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, ये हमारे इमेज रिसेप्टर के समानांतर हो, तब जाके हमारे पेशेंट की पोजीशन को हम बिल्कुल सही परफेक्ट लेटरल पोजीशन मानेंगे, ठीक है। अभी इसको सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आपको ये पैराग्राफ बढ़ाने में भी काम आता है, और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जब ऐसी कोई पोजीशन होती है तो इमोबिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पेशेंट बिल्कुल भी हिले डुले ना। ये हमारे पेशेंट की पार्ट पोजीशन हो गई बिल्कुल, कि आपने पेशेंट को प्लेस किया एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में। एंटीरियर ओब्लिक कोई सा भी हो सकता है जो डिजायर्ड है, लेफ्ट साइड डिजायर्ड है या राइट साइड डिजायर्ड है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को मैंडिबल और पैराइटल बोन से पकड़ के बिल्कुल आपने पेशेंट के नेक को ऐसे इमेज रिसेप्टर के समानांतर प्रेस किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपकी जो MSP है, IOML है, और IOML है वो भी हमारी इमेज रिसेप्टर के समानांतर होनी चाहिए। फिर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से इमोबिलाइज किया। इमोबिलाइजेशन के लिए इमोबिलाइजेशन डिवाइस आते हैं, मोस्टली अपन यूज लेते हैं सैंड बैग, और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं, ये इजीली अवेलेबल हमारे लिए होता है, तो अपन सैंड बैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेक्निकल फैक्टर्स की। टेक्निकल फैक्टर्स आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिए, जो आपके PA में दिया है वही आपका टेक्निकल फैक्टर्स है, वही आपके KVMS फिल्म साइज होता है। रेस्पायरेशन अपन देखें तो आप इसका सस्पेंड रेस्पायरेशन रखते हैं, पेशेंट को कहते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्पायरेशन को सस्पेंड रखिए। अब बात की जाएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझना चाहिए आप लोगों को, सेंट्रल ब्रेथ। ये सब बेसिक चीज़ें क्या होती है आपके प्रीवियस लेक्चर में आ चुका है। हमारी जो CR है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है कितना, एक मिनट,
2 इंच या ऐसे 4 से 5 सेंटीमीटर अबाउट टू ईएम, 4 से 5 सेंटीमीटर हमारे ईएम के अबाव होती है या सुपीरियर आप जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका लेटरल। अब आप इसको क्या, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपको इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो अगर अपन इसमें देखें कि जब आपको दिखे तो आप इसमें देखोगे कि जो हमारे टीएम जॉइंट है वो सुपर इम्पोज्ड होते हैं, जो हमारे सेला टर्सिका है वो प्रोफाइल मतलब सेला टर्सिका में क्लियरली विजुअलाइज होती है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन का मैंडिबल के साथ कोई ओवरलैप नहीं होता है और हमारा जो प्रॉपर कोलिमेशन है, कोई भी छोटा पार्ट करते हैं अपन जैसे स्मॉल पार्ट्स की जब भी अपन रेडियोग्राफी करते हैं तो इसमें एक तरीके से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमें रेडिएशन प्रोटेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमारे हाथ में अभी रेडिएशन प्रोटेक्शन ऐसा है कि जैसे स्कल का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेडिएशन फील्ड है उसको अपन वेल कोलिमेट करें। तो ये कुछ कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आप लोगों को हर रेडियोग्राफी में पता होनी चाहिए। सामने आप देखो, सामने हमने एक पेशेंट की पोजिशन देखी, ये हमारी रिकमेंड या अपन रिकमेंड में हमने पेशेंट को रखा है। आप सामने देखोगे ये एंटीरियर ओब्लिक है, ये जो पेशेंट पोजीशन है ये ओब्लिक पोजीशन है थोड़ी, आप बिल्कुल इसको परफेक्ट प्रोन भी नहीं कह सकते हो, परफेक्ट सुपाइन भी नहीं कह सकते हो, ये हमारी एओ पोजीशन है, ठीक है। अब इस और ये हमारे इरेक्ट में है, ये पेशेंट हमारा इरेक्ट में है, वही हमने इसको एओ पोजीशन में रखा। बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पेशेंट के स्कल में और आईआर में, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है, ये जो एंगल्स है इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन आई वही हमारे ईएम से, ये हमारा ईएम है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इसके अप्रोक्स 2 इंच अबाव, अप्रोक्स बोला है 4 से 5 सेंटीमीटर कम ज़्यादा, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था ये जितनी भी रेडिएशन ये हमारी जो भी रेज आ रही है परपेंडिकुलर है। सामने अगर इसमें देखो आप, अगर हमारी बोन्स में तो ये ऐसे दिखेगा, फ्रंट से अगर आप देखो तो ये ऐसे दिखेगा, बैक साइड से देखो तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इधर आप अगर पेशेंट डायरेक्ट में है तो आप लोगों को रेडिएशन ऐसे आती हुई दिखेगी, ऑटोमेटिक दिख रहा है कि हमारा जो मिड सेजाइटल प्लेन है, ये जो मिड सेजाइटल प्लेन है और ये हमारा आईआर है, दोनों आपस में समानांतर है, क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। ये हमारा आईआर का प्लेन है और ये हमारा एमएसपी है, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो ऐसे पोजीशन आप लोगों को लगानी होती है। जब आप प्रीवियस लेक्चर भी देखोगे या लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि अपन को कैसे पोजीशन दिखनी चाहिए, ठीक है। अगला डायग्राम देखते हैं, सामने आप डायग्राम देखोगे, आप लोगों के दिमाग में थोड़ी एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि इतनी इतनी बोन्स आपको जब अपन साइड से स्कल को देखते हैं ना तो ये बोन दिखाई देती है। मेन बोन्स के नाम जैसे फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर याद होगी ना कि इनकी पोजीशन ऐसी है तो एनाटॉमी भी क्लियर होती है और रेडियोग्राफी भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। ये आपका मेस्टॉइड प्रोसेस हो गया, ये हमारा ईएम हो गया, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये हमारी नेजल बोन हो गई, ये हमारी जाइगोमेटिक बोन हो गई, ठीक है। कुछ कुछ आपको नाम पता होना चाहिए, ये नाम पता हो गए तो आप इवोल्यूशन क्राइटेरिया अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अगर अपन इसका एक्सरे वाला व्यू देखें, अब ये हमारा एक्सरे वाला व्यू है, ये राइट साइड का व्यू है, ये लेफ्ट साइड का व्यू है, ठीक है। अब आपको देखें, ये जो है हमारा, ये आपको जो ब्लैक ब्लैक सा शेड दिख रहा है, ये हमारा ईएएम है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो सेक जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखती है, डेट इज अवर सेला टर्सिका, ठीक है। हमारे जो टीएम जॉइंट है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, दोनों तरफ आप देखोगे दोनों साइड को कंपेरिजन करके तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रेडियोग्राफी पढ़ने के लिए आप लोगों के दिमाग में एनाटॉमी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बोन्स की पोजीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, और बारीक से अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ सूचर्स भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्कल लेटरल व्यू होता है जिसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियर विजुअलाइज होता है।
तो अपन अब तक स्कल लेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देखो, स्कल का पूरा कंप्लीट आप रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे SMV, सब मेंटो वर्टिकल व्यू, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज आप भी कीजिए, थोड़ा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक स्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन चेस्ट रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, गुड बाय, थैंक यू।